कि हाल चाल है दोस्तों। काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, जो इतने यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं या फिर वेबसाइटर्स हैं, जितने भी फोटो को यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो उस फोटो के ऊपर कॉपीराइट आता है या नहीं। सो बेसिकली आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके मन में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप भी गूगल के कोई भी फोटोज को यूज कर सकते हैं। इवन मैं बता दूं आपको, गूगल पे जितने भी फोटोज आते हैं, जिसे पता ना हो मैं उतने बताना चाहता हूं कि कोई भी फोटो गूगल पे अपलोड नहीं होता, वो किसी वेबसाइट या फिर किसी यूट्यूब में रहता है जो गूगल पे सर्च लिस्ट में शो करता है, तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान का होता है। तो आपको वो इंसान कॉपीराइट स्ट्राइक देगा या नहीं देगा, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट। थैंक यू। सो गाइस, अभी हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं और क्रोम ब्राउजर को ओपन किए हुए। अगर आप अपने फोन को यूज करना चाहते हैं, फोन को भी यूज कर सकते हैं और क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। बस करना होगा एक छोटा सा वर्क, राइट हैंड के ऊपर कॉर्नर में आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, बस वहां पे जाकर के आप डेस्कटॉप वर्जन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। गूगल है और गूगल पे हम कोई सा भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कूल फोटो एक ट्रेंडिंग वर्ड है, ट्रेंडिंग सर्च है, उसे ही सर्च कर ले। तो गाइस जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे सर्च आ गए हैं हमारे सामने। बस अब हमको करना होगा यहाँ पे इमेज पे क्लिक और यहाँ पे आपको काफी सारे इमेज देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई सा इमेज को सिलेक्ट करने से पहले बस आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सेटिंग्स पे टाइप करना है, आपको काफी सारे ऑप्शन दिखने को मिलने लगेंगे और आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडवांस सर्च पे। और एडवांस सर्च पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई और भी वर्ड को टाइप करना है या फिर कोई और कीवर्ड टाइप करना है, तो बस आपको यहाँ पे एक डॉट डालना है, स्पेस देना है, देन आप यहाँ पे वो वर्ड टाइप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसी कीवर्ड के ऊपर सर्च करने वाला हूँ। देन आपको नीचे और भी काफी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे इमेज टाइप, रिलेशंस और डोमेन साइड। उसके बाद आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है यूजेस राइट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च किया हुआ है नॉट फिल्टर, यानी कि जितने भी अभी आपको सर्चेस दिखाई दिए गए थे वो आपको फिल्टर नहीं था, अब आपको यहाँ पे फिल्टर में सर्च करना है। तो फिल्टर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ सभी का मतलब क्या है और आप उसे किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इमेज को किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है या फिर खुद यूज करना है, तो आप उसे पर्सनली यूज कर सकते हैं इस सिलेक्शन पे। उसके बाद आपको नीचे अगर आप कमर्शियली यूज करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ या फिर खुद भी, तो आप इस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं या फिर अगर आप एक वेबसाइटर हैं, तो आपको ये वाला सिलेक्शंस को सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज कि आप इसे यूज करते हुए किसी भी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी साइज को क्रॉप कर सकते हैं। बाकी बात इसके ऊपर में ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो उस कॉपीराइट ऑनर जो होंगे आपको, तो वो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। लेकिन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसे कॉमर्शियली यूज करना चाहते हैं, देन आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के बाद आप उसे कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही एडवांस सर्च क्लिक करते हैं, तो अब आपके पास इतने सारे जितने भी आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रहे हैं गूगल सर्च पे, तो अब आप इन सारे इमेज को यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिर आप छोटा बड़ा क्रॉप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गाइस। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। इसी तरह का यूज करते हुए कोई भी यूट्यूबर्स अपने वीडियो में या फिर अपने ब्लॉग में, वेबसाइट में इमेज को यूज करते हैं, वो भी गूगल सर्च से, तो आपके लिए बस यही था आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।